हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा आ चुका है सिद्धौर में। भाई यहाँ सिद्धौर में हम आ चुके हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सिद्धौर की मार्केट है जो आप देख पा रहे होंगे। ये सिद्धौर की मार्केट है और ये सिद्धेश्वरन मंदिर है। और अभी हम पहुँचे हैं सिद्धेश्वरन मंदिर। भाई बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भाई प्रसाद चढ़ाने आते हैं, मन्नते भी मानते हैं। तो भाई अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको क्या किस तरीके का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे शंकर जी की बहुत बड़ी सी लाट है, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल हमारे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ये ऊपर जो है घंटियाँ भी लगी हुई हैं जो आप देख पा रहे होंगे, घंटी भी लगी हुई है यहाँ पे, घंटी भी जो है। ये मेन द्वार है, यही ये सिद्धौर में मंदिर है जो जिसका नाम है सिद्धेश्वरन। ये मंदिर है जो श्रद्धालु हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। यही वो मंदिर है। और जो मेन मंदिर है शंकर जी का मंदिर है ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ लोटे में पानी भी है जो सीलिंग के ऊपर गिरता रहता है। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। अगर सिद्धौर के कोई भी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सिद्धेश्वरन का जो मंदिर है आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ के महंत जी हैं। ये महंत जी हैं बाबा जी। ये बताइए यहाँ कितने साल पुराना मंदिर है ये? कम से कम द्वापर युग माता कुंती माता के समय के स्थापित हुआ शिवलिंग। अच्छा। और उसके बाद में जो है बाबा हरिश्चंद्र महाराज जी आए थे जी लगभग 200 वर्ष पहले जी, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। इसी मंदिर का? इसी मंदिर का। अच्छा। वो जो है बाबा हरिश्चंद्र महाराज जी जो है बनारस में कलेक्टर थे जी, उनको भगवान ने दर्शन दिया सपने में और बताया कि यहाँ का मंदिर पूरा निर्माण कराया गया। तो पूरा निर्माण कराया बाबा हरिश्चंद्र। अच्छा। से 8-10 संत महात्मा लोग आए तपस्या किए अपना जो है। अच्छा। यहाँ इस मंदिर की मतलब भक्ति भाव में कुछ बता दीजिए कि क्या भक्ति है, क्या शक्ति है, क्या भावना है, क्या किस लोगों के इसमें? सिद्धेश्वर बाबा हैं जो मन से सच्चे मन से इनको मानते हैं जी, उनकी मुरादें पूरी करते हैं। अच्छा। बाकी शादी ब्याह मुंडन दिखाई सुनाई और बहुत से प्रोग्राम हैं। शिवरात्रि में काफ़ी भीड़ लगती है, 50,000 आदमी आता है। सावन के सोमवार में, मलमास में, बाकी पर डे सोमवार को, हर सोमवार को भी काफ़ी भीड़ रहती है। भीड़ रहती है काफ़ी। अच्छा, यहाँ पे प्रसाद क्या चढ़ता है? प्रसाद में सब लोग अपने अपने मन का जैसे मेवा मिश्री है जी, ठीक है, लड्डू पेड़ा बर्फी और तमाम तरह का प्रसाद है, फल वगैरह हैं तरह तरह के और बहुत चीज़ें हैं। अच्छा। मतलब यहाँ पे अगर कोई लोकेशन की बात करे, कोई आना चाहे तो ये एरिया मतलब नाम पता जरा एड्रेस बता दीजिए। ये सिद्धेश्वर सिद्धौर सिर्फ 12 मंजिल से 28 किलोमीटर है जी, ठीक है। इधर देवीगंज 10 किलोमीटर पड़ता है, इधर सिमरावा 10 किलोमीटर, इधर जो है ये कोटवा भी 10 किलोमीटर है। अच्छा। कोटवा से आना चाहे तो कोटवा से आ सकता है, 10 किलोमीटर है। देवीगंज से फिर 10 किलोमीटर है कोटवा, और ये कैसरगंज से 10 किलोमीटर, इधर जैतपुर 10 किलोमीटर और 12 मंजिल से 28 किलोमीटर सिद्धेश्वर मंदिर। किसी से कोई पूछ सकता हो आ सकता है। यहाँ तो काफ़ी दूर दूर के भक्त आते हैं जी, दिल्ली लखनऊ सीतापुर कानपुर छत्तीसगढ़ पता नहीं को कहाँ से आता है, बाकी 10-15 गांव के 50-60 गांव के लोग। अच्छा। आते हैं हर सोमवार, हर सोमवार को आते हैं, बाकी दूर दूर से भी लोग। हाँ, आते हैं दूर दूर से भी आ जाते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं जैसे कि? अरे जैसे बाराबंकी है, लखनऊ है, सीतापुर कानपुर छत्तीसगढ़
बनारस को कहाँ से आ जाए ये कोई और। अच्छा धन्यवाद भैया। ये हैं भैया आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, सिद्धेश्वर जो है मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने आए हैं भैया। मतलब क्या, मतलब पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए, क्या सोच क्या है इस मंदिर में? लोगों की मान्यता बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा हमने कभी आ जाके दर्शन कर, कैसे तो आपको लगा कि मान्यता ज़्यादा है? क्योंकि इसका देश अगले राज्यों में काफ़ी प्रचलित है। अच्छा मतलब हर राज्य में नाम इसका चर्चित में है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा तो आपको मतलब पता चला कि हाँ जो है मंदिर ये बहुत चर्चित में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ मानना चाहिए। वही तो हमने भी सोचा, काफ़ी दूर तक हम आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहीं बाराबंकी के रहने वाले हैं। बाराबंकी से आए हैं। अच्छा तो क्या मतलब क्या लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं वो मिलेगा आपको? नहीं बिल्कुल मिलेगा, मेरे को भरोसा है पूरा। पूरा भरोसा है। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं भी कहता हूँ कि आप भी आज अगर टाइम कभी इधर निकले तो आपको भी इधर दर्शन करना चाहिए एक बार। सिद्धौर आना चाहिए। सिद्धौर आना चाहिए।